रोशन माला ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी धान की बुआई चल रही है और किसान क्या कहते हैं कि इस बात को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। ये नहर है और नहर के ठीक जो आस पड़ोस खेत है उस खेतों में धान की बुआई हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये नहर है। अब जिस जगह पर नहर है वहाँ पर तो आसानी से खेती हो जा रही है। ये देख सकते हैं ये है आपका यहाँ पर ये केवाड़ा लगा हुआ है और ये पानी है। इस पानी को धीरे 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 रिलीज करवाया जाता है इस केवाड़ा के माध्यम से। ये देख सकते हैं ये केवाड़ा है, इस पर हम चढ़ेंगे अभी। तो ये आप ही खोलते हैं क्या? अच्छा, दूसरा आदमी है यहाँ पर, आदमी रहता है खोलने वाला, आ करके खोल देता है ये। खोलता है। ओ, और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये ठीक इसके विपरीत साइड में भी एक केवाड़ा लगा हुआ है। ये पूर्व साइड में, पूर्व साइड में भी ये केवाड़ा लगा हुआ है और ये पानी की अगर आवश्यकता होती है, हाँ पानी की अगर आवश्यकता होती है इधर तो इसको भी उठा दिया जाता है और पानी क्या कहते हैं कि आसानी से चला जाता है। तो यह एक बहुत अच्छा सरकार का स्कीम है, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। और यहाँ पर आप लोग ये देखिए, हम यहाँ ये सीढ़ी बना हुआ है और इस सीढ़ी पर हम चढ़ रहे हैं। ये चढ़ गए सीढ़ी पर और ये इसका है उठाने वाला यहाँ, इसको उठा करके फिर पानी को क्या कहते हैं कि यहाँ से फ्लो होता है, पानी आसानी से चला जाता है। तो यह एक बहुत अच्छा दृश्य है, देख करके अच्छा लगा कि कम से कम खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं इसके माध्यम से आसानी से खेती किसानी कर सकते हैं। ये टूटेगा तो नहीं, जा सकते हैं इस पर? हाँ, जा। अच्छा अच्छा, तो हमारे साथ है ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भी लोग हैं। चूँकि ये देखिए सड़ गया है तो डर भी लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन आधा झड़ गया है, आधा से अधिक ये क्या कहते हैं कि इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये फिर से चादरा को लेकर के और इस पर वेल्डिंग कर दिया जाए तो ये फिर नया हो जाएगा। तो हम इसके इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इसको दुरुस्त कर दिया जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पानी का ये पैमाना है, लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर 6 चला जाए तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। और ये अभी हमें लगता है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में ये पानी फ्लो कर रहा है। तो ये है हमारा बिहार का नहर प्रणाली, नहर व्यवस्था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग तमाम लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।